हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा आप जानते हैं, पावर प्लांट की सीरीज चल रही है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है स्टीम टर्बाइन। दो टॉपिक हम स्टीम टर्बाइन के कर चुके हैं, जैसे टाइप्स ऑफ स्टीम टर्बाइन और कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइन के अंदर कैसे की जाती है। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूँ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल एग्जाम। जो लोग बीटेक कर रहे हैं रिसेंटली, उनका जो सेमेस्टर एग्जाम है यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता है, जैसे 15 to 20 marks। और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर कन्वेंशनल एग्जाम होता है, दैट मीन्स मेन एग्जाम होता है, वहां भी यहाँ इसका न्यूमेरिकल और वर्कडन की डेरिवेशन पूछी जा सकती है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है और कैसे इस डेरिवेशन से को समझ जाने से आप न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इम्पल्स टर्बाइन, दैट मीन्स, और इस टॉपिक को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इट इज द वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया हुआ है जो सिंपल इम्पल्स टर्बाइन का दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ये ब्लेड है, वेन है जिसको बोल सकते हैं, ये क्या है, दिस इज इनलेट कंडीशन, और ये जो हमारी है दर इज आउटलेट कंडीशन, इज आउटलेट कंडीशन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, V1, VR1, U1, VW1, VF1, ऐसे ही ये 1 है, दैट मीन्स इनलेट, और 2 है आउटलेट, ऐसे यहाँ भी इसके पैरामीटर्स है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है अल्फा, थीटा, बीटा एंड फाई। अल्फा इज द नोजल एंगल जिससे हमारा फ्लूइड एंटर करता है, थीटा एंड फाई आर द ब्लेड एंगल और वेन एंगल जिसके एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पेरीमीटर समझा देता हूं कि जो पेरीमीटर्स हैं वो कौन कौन से पेरीमीटर्स होते हैं और इनको हम क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस एंगल को देखते जाएंगे और हम इसको यहाँ पे देखते हैं, दैट मीन्स V1 एंड V2। तो हम यहां से देख सकते हैं V1 एंड V2 आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट और आउटलेट, एंड VR इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों सामने आती है, जैसे हम सपोज दैट ये हमारे पास एक वेन है, ये टर्बाइन का रोटर है, तो हम कहते हैं कि जब भी स्टीम इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो हमारा व्हील क्या करता है, रोटेट करने का, दैट मीन्स ये भी क्या करती है, मूव करती है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि हमारा व्हील भी रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स ब्लेड भी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, और हमारे यहाँ से नोजल से जो हमारा वाटर आता है या फ्लूइड आता है, व्हाटएवर जो भी है, वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं V1 भी मूव, U1 भी मूव। तो दैट मीन्स अब जो जिस वेलोसिटी से ये जो फ्लूइड है इस ब्लेड से टकराएगा तो वो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, दैट मीन्स किस वेलोसिटी से टकराएगा, दैट मीन्स V1 भी मूव कर रहा है और U भी मूव कर रहा है, दैट मीन्स V1 माइनस U1 एक वेलोसिटी आएगी जिसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वो है कि इट इज द वेलोसिटी जिससे एक्चुअल में हमारा जो फ्लूइड है जो ब्लेड से टकराता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी इनलेट और आउटलेट पे होती है। दिस इज अ VW इज अ व्हील वेलोसिटी, VF इज द फ्लो वेलोसिटी। आप यहां देख सकते हैं हमने लिखा है ये VW इज अ व्हील वेलोसिटी, ये दिखा है VF दिस इज अ फ्लो वेलोसिटी। दिस मीन्स हम कह सकते हैं जो VW है इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ब्लेड, एंड VF इज द रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो हम यहां से ये दोनों कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, ये दोनों ही कंपोनेंट्स किसके हैं, V1 के, दैट मीन्स हमारी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल और जो वाई डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे रेडियल, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी। और उसके बाद हम यहां से देखते हैं क्या, U इज द व्हील वेलोसिटी और वेन वेलोसिटी। हम U क्या कह सकते हैं, U इज इक्वल टू U1 U2, और ये अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, दिस पाई डीएन बाय 16 टू पाई डीएन बाय 60। डीएम इज व्हाट, द मीन डायमीटर, ठीक है, M इज द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, A इज द एरिया ऑफ द नोजल एंड V इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी जिससे वो एंटर कर रहा है। तो अब मैं आपके सामने इसका दिखाना चाहता हूं कि किसको हम कैसे इसका वर्क डन और फोर्स एक्सर्टेड निकालते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड और वर्क डन पर स्टेट इन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि वर्क डन हमें निकालना हो तो ये क्या है, टर्बाइन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। जब भी हम वर्क प्रोड्यूसिंग निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, दैट मीन्स यहां पे वर्क कौन कर रहा है, जैसे सपोज दैट स्टीम हमारा
सिस्टम है, तो हम कहते हैं तो हम जो वर्स जो फोर्स कौन लगाएगी, स्टीम इस वेन पे लगाएगी, दैट मीन्स इस स्टीम की वजह से ये हमारा सिस्टम, ये हमारा जो जो ब्लेड है वो क्या करेगी, मूव करेगी, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, मेरे सिस्टम तो वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी हम वर्क डन बाय द सिस्टम निकालते हैं तो हमेशा वर्क डन में हम क्या करेंगे, द इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहां से देख सकते हैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को हमने डिफरेंस कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे एक्चुअल में जो स्टीम है वो ब्लेड्स पर टकरा रही है वो क्या है, रिलेटिव। तो हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन के अंदर, दोस्तों एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर इसका कंपोनेंट देखो वी आर वन, तो वी आर वन का कंपोनेंट अगर इसको एक्स में रिजोल्व करेंगे तो कौन सा आएगा, ये वाला कंपोनेंट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं द वी आर वन कोस थीटा, द वी आर वन कोस थीटा। और आउटलेट पे There is a VR2, ये जो है VR2, ये वाला कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक, that means VR2 cos phi, तो यहां हमने लिखा। लेकिन ये देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन इस साइड में है और इसकी डायरेक्शन क्या है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी होगी, दैट मीन्स तो क्या आ जाएगा ये, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं VR1 cos theta minus VR2 cos phi, तो यहां हम यहां से इसका निकाल। अब मैंने इसको क्या किया है दोस्तों, इसको मैंने यहां ये रेड कलर का यहां दिखा दिया और ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल है मैंने यहां दिखा दिया और मैंने इनको नेमिंग दे दी ए बी सी डी और ई एफ जी एच। तो आप देख सकते हैं ये VR कंपोनेंट है, ये VR2 कंपोनेंट है, तो इसी के हिसाब से हम इसका निकालेंगे। तो जो हमारा VR, जो VR1 है, तो आप देख सकते हैं जो VR1 cos थीटा जो है दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं कौन सा आएगा, देयर इज VR cos थीटा, दैट मींस हम क्या देख सकते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट हमने लिया था, दैट मींस हम कह सकते हैं इट इज अ VR1 cos थीटा इज व्हाट, CD, दैट मींस ये कंपोनेंट। और जो CD है, CD को मैं क्या कह सकता हूं, आप देख सकते हैं BD माइनस CB, BD माइनस CB। तो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं, तो जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, बीडी, पूरा का पूरा बीडी क्या है, देयर इज अ वी डब्ल्यू वन, और जो बीसी क्या है, देयर इज यू वन। तो हम कह सकते हैं यहां से हमारा ये जो कंपोनेंट है वी आर वन कोस बीटा वन क्या बन गया, कोस थीटा इज वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन। ऐसे ही अगर मैं वी आर टू कोस फाई निकालू तो दोस्तों कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का कंपोनेंट, दैट मीन्स एफ जी वी आर टू कोस फाइ, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यही चीज हमने यहां बनाई है, दैट मीन्स कौन सा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं देर इज एफ एच, और एफ एच को हम क्या लिख सकते हैं, देर इज एफ जी प्लस जी एच। और देखते हैं एफ जी क्या है हमारा, यहां से यहां देखते हैं एफ जी इज यू एंड जी एच क्या है हमारा, इज वी डब्ल्यू वन, दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, देर इज वी डब्ल्यू टू प्लस में यू टू। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आगे, जब यही जो चीज है मैंने वी आर वन कोस थीटा एंड वी आर टू कोस फाई की जो वैल्यू निकाल ली, तो मैंने इसको कहां पुट कर दिया, हमारी जो वर्कडन की जो हमारी रिलेशन था उसके अंदर मैंने यहां पुट कर दिया, ये हम देख रहे थे। तो यहां से हम देख सकते हैं हमने जो वी आर वन कोस थीटा की वैल्यू पुट करी, वी आर टू कोस थीटा की वैल्यू पुट करी, तो ये नेगेटिव है, तो अब ऐसी बात है नेगेटिव पुट करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सामने आ जाएगी। और जैसा हम जानते हैं यू इजक्स टू U1 और U2 एंड दिस, और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई डीएम बाय 60, दैट मींस हम कह सकते हैं ये पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो मेरा वर्क डन पर स्टेज है वो कितना आ गया, एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस में यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू टू, दिस इज द रियल वेलोसिटी एट इनलेट एंड दिस इज द रियल वेलोसिटी एट आउटलेट। अब यहां से देख सकते हैं इफ इफ एन स्टेज आर गिवन, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ स्टेज, अभी हमने किसके लिए निकाला, पर स्टेज, एक स्टेज के लिए निकाला, अगर सपोज दैट बहुत सारे स्टेजेस दे दे तो हम यहां से कैसे कह सकते हैं कि हम इसको क्या कर देंगे, ये तो एक स्टेज के लिए था, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके लिए आ जाएगा, दिस इज वर्क टोटल, दैट मींस टोटल वर्क डन इन स्टेजेस। तो हम कह सकते हैं एन इज व्हाट, एन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेजेस। तो यहां से अगर हम पावर अगर हमें निकालनी है तो पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हम यहां से हमने क्या कर दिया, एम डॉट इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, तो हम यहां से कह सकते हैं देयर इज अ फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पावर आउट। तो ये हमने यहां से किया, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। तो ये वर्क डन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल में बेसिकली पूछा जाता है। अब आप न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं हम कैसे करके आए हैं, वहां से हम कंपोनेंट निकाल लें वी डब्ल्यू वन एंड वी डब्ल्यू टू, यू हमको गिवन होगा, गिवन नहीं होगा डायमीटर होगा, तो हम इसकी कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं, उसके बाद हम इसका पावर आउटपुट आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप सो गाइज आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज।